चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू चिल्ड्रेन। बच्चों, आपको मैं आज एक नई बात बताती हूँ, तो आप सुनेंगे ध्यान से कि आपके जो कोर्स है वो है चैप्टर फर्स्ट से लेके 16। कितने चैप्टर है हमारे? 16। तो बच्चों, अब आपके फर्स्ट से लेके 16 जो चैप्टर है, 1 to 16 जो चैप्टर है, उनमें से आपके हाफ कोर्स आएगा। हाफ कोर्स से मतलब 50% कोर्स आएगा। तो 50% कोर्स में से हमें ऐसा नहीं है कि 1 से लेके 8 तक हम चैप्टर करवा दें और 9 से लेके 16 तक के छोड़ दें। हमें 1 से लेके 16 तक के ही पूरे चैप्टरों में से 50% चैप्टर लेने हैं। तो आप अपनी बुक में जैसे मैंने टिक लगा रखे हैं, उस तरीके से टिक लगाएंगे। आपके एग्ज़ाम में इस सेशन में अभी जिस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसमें 50% चैप्टरों में से आपके फर्स्ट चैप्टर दूंगी मैं, या आएगा आपके विनती। सेकेंड चैप्टर है गुटली, थर्ड चैप्टर है जादुई, और 5 चैप्टर है गुड़िया का ब्याह। उसके बाद आप आगे देखें, 9 चैप्टर मीठे बोल और दशहरे का मेला। तो बच्चों, अभी तक जो हमने कोर्स किया था उसमें 1 से लेकर 10 तक हमने चैप्टर पढ़ लिए थे। अब उसके बाद हमारा कोर्स होना था 11 से लेकर 16 तक। पर बच्चों, अब जब गवर्नमेंट ने 50% कोर्स कर दिया है और पूरे चैप्टरों में से मैंने छांट के जो मोस्ट चैप्टर हैं वो लिए हैं, तो 8 चैप्टर मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि 20% आपके ग्रामर पोर्शन में से भी देंगी, ताकि आपको ग्रामर पोर्शन भी आ सके। तो आज हम वापस से विनती चैप्टर से समझेंगे और शुरुआत करेंगे। आपने अगर क्वेश्चन आंसर भी कर रखे हैं तो आप अपनी नोटबुक में दोबारा से क्वेश्चन आंसर न करें, बस आप इसकी जो वर्कशीट बनानी है वो वर्कशीट बनाएंगे और समझेंगे। आपकी वर्कशीट में भी मैंने आपको बता रखा है कि चैप्टर फर्स्ट में क्या वर्कशीट आएगी, चैप्टर सेकेंड में। इस तरीके से आज आप चैप्टर फर्स्ट दोबारा से समझिए। चैप्टर फर्स्ट है हमारा विनती, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विनती करते हैं हम भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। तुमने सारा विश्व बनाया, तुमने सूरज चांद बनाया, तारों को भी ये चमकाया, तुमने फूलों को महकाया। तुम बादल हो को बरसाते, तुम पानी पवन बहाते, हम पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तुम ही माता पिता हमारे, तुम ही सखा बंधु हमारे, हम सब बच्चे हैं नादान, हम पर कृपा करो भगवान। इसमें छोटे छोटे बच्चे भगवान से विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि तुमने ये सारा संसार बनाया है, और तुमने ही सूरज और चांद बनाए हैं, और तुमने ही तारों को भी चमकाया है, तुमने फूलों को महकाया है, तुम बादल को बरसाते हो यानी तुम बादल से जो पानी है वो बरसाते हो, और तुम्हें हवा यानी कि पवन बहाते हो। ये सब काम कौन करता है? भगवान बनाता करता है। जिस भगवान ने सारा विश्व बनाया है, हमें बनाया है, संसार को बनाया है, तो उन्होंने ही सूरज भी, चांद भी, तारे भी बनाए हैं, और इसमें इस संसार में जितने भी सुंदर सुंदर फूल हैं वो भी किसने महकाए हैं? भगवान ने महकाए हैं। और हम पर भगवान कृपा करो, हम पर दया करो, आप ही हमारे माता पिता हैं और आप ही हमारे सखा बंधु हैं। सखा का मतलब होता है फ्रेंड और बंधु का मतलब होता है भाई। और हम सब बच्चे हैं नादान, विनती करते हैं भगवान हम पर कृपा करो भगवान, हम तो सब नादान बच्चे हैं और हम सब भोले हैं, आप हम पर कृपा करें। विनती यानी प्रार्थना, विश्व यानी संसार, कृपा यानी मेहरबानी, बंधु यानी भाई, नादान यानी अनजान, पवन यानी हवा, सखा यानी मित्र। तो बच्चों, आपको ये शब्दार्थ सुनने हैं, ये सारा आपने वर्ग कर रखा है, इसलिए आपको वर्ग नहीं करना है, बस आपको दोहरान हो रहा है ये। विनती यानी प्रार्थना, विश्व यानी संसार, कृपा यानी मेहरबानी, बंधु यानी भाई, नादान यानी अनजान, पवन यानी हवा, सखा यानी मित्र। अब आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है और इसकी एक्सरसाइज है वह हम कल करेंगे। थैंक यू।